बालू चने क्या? हाँ चलो। हाँ बेटी तुम सही टाइम पे आ गई हो, बराबर 8:30 बजे। हाँ? सुनो बेटी, ये थोड़ा ज्यादा मस्ती करता है, तुम इसे संभालना। मैं संभाल लूंगी अंकल। मेरा बाप भी ना। चलो। क्यों बालू, तुम मेरे बैग को क्यों देखे जा रहे हो? अरे कुछ भी तो नहीं। नहीं जरूर कुछ है, क्या है बताओ ना। वो बैग में फ्राई की हुई मुर्गी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बालू तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। अच्छा तुम देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ। कल मामा और मामी मेरे घर पे आए थे, इसलिए माँ ने उनके खाने के लिए चिकन बनाया था। मैं तो रोज रोज चिकन खा खा के थक गई हूँ, तुम इसे खा लेना। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है? नहीं दिखाऊंगा। अच्छा नहीं दिखाओगे? नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे कुछ खास नहीं, बस हमेशा की तरह केशव अंकल की दुकान से डोसा और सांभर वड़ा। डोसा और वड़ा? सुनते ही मेरे मुँह में पानी आ गया, खाने के दो। बालू चलो देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। इस फॉर्म को फिल करके मुझे दे दो। अरे देर मत कर, जल्दी चल। हाँ चल चल। टाइम क्या हो रहा है? बिस्किट लेने गई थी सर। गुड मॉर्निंग सर। डैडी ये आपका टिफिन डैडी। अरे सुनो बॉबी, तो हम क्लास में जाएं सर? इसको भी ऑफिस में रख दो। ओके। ये क्या है, हमारे लिए अलग नियम और बॉबी के लिए अलग नियम? सर बहुत अजीब है। कोई टाइम पे नहीं होता। अरे टीचर आ गई। आज इतनी सारी मिठाइयाँ टीचर। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। कितना हुआ? ये लीजिए। हाँ ठीक है। लीजिए। हाँ ठीक है। क्या बात है टीचर, आप आज स्कूल नहीं गई? आज मैंने हाफ डे की छुट्टी ली है। मेरे अश्विन का बर्थडे है ना। बालू स्कूल गया है क्या? हाँ टीचर। हाँ वो पढ़ाई में कैसा है टीचर? वो बहुत ही अच्छा लड़का है। वो पढ़ाई में कितना तेज है ये नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है स्पोर्ट्स उसे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रनर बन सकता है वो। वो आजकल पढ़ाई में कम और स्पोर्ट में ज्यादा ध्यान देता है टीचर। अरे ऐसी बात नहीं है, वो बहुत दिमाग वाला लड़का है, पढ़ाई में उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हर एक का अलग अलग से ध्यान रखता है। उसके मन में जो सपने हैं उसे पूरा करने का मौका तो मिलना चाहिए। मैं चलती हूँ। ठीक है टीचर।
ए कार्तिक सुनना। क्या हुआ? मेरे घर के आसपास की मुर्गियाँ ना चोरी होती रहती हैं। चोर कौन है मैं जानता हूँ, वो जल्दी हमारे जाल में फंस जाएगा, देख लेना। और हाँ, उस मुर्गी की टांग ना यहाँ है। कहाँ है? सुनना मानी। क्या हुआ? वो मुर्गी की टांग यही है ना? क्या बोला तू? क्या बोला? क्या है? जानता है ना, मैं स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, ये बात भूल गया तू? वैसे मैंने सच ही तो कहा है, तुम चिकन कैसे ला सकते हो? तुम्हें इससे क्या है? तू जा यहाँ से। और इसके बाप का दूसरा नाम भी है, जानते हो तुम सब ना? वासु, चोर वासु। क्या? ए, तेरे को ए! चोर कहीं का। इधर आ, इधर आ। क्लास में दादागिरी करता है, मेरे बेटे को मारता है। यहाँ पढ़ने के लिए आता कि सर गुंडा बनने के लिए आता? तू घर में तेरा बाप बचपन का वार, तेरे को यहाँ पे भेजा पढ़ाई करने के लिए, यहाँ आके दादागिरी कर रहा है, मेरे बेटे को मार रहा है। सॉरी सर, दोबारा ऐसा किया ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल मेरे साथ। कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। गुड आफ्टरनून टीचर। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? जिस तरह से तुम लोगों ने गुड आफ्टरनून कही थी मैं समझ गई थी। क्या बात है मनु? नहीं कुछ नहीं टीचर। क्या हुआ बॉबी? मैं नहीं जानता। बालू कहाँ है? बताओ सायरा। टीचर क्या हुआ? क्या हुआ सायरा, बताओ मुझे। टीचर बालू, आओ। सर आपने ऐसा क्यों किया? इसने क्या किया आप जानते हैं टीचर? कुछ भी किया होगा लेकिन खून तो नहीं किया होगा ना? स्कूल में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का है ये। छोटा लड़का, अगर मैं ना देखता तो ये तो मेरे बेटे को मार ही देता। बालू के बारे में जानती हूँ, लेकिन सर आपका बेटा बॉबी, उसने क्या हरकत की ये जानते हैं आप? जानता हूँ, उसने एक सवाल किया, कोई गलत नहीं। क्या इसके पिताजी बहुत बड़े करोड़पति हैं? आप कैसे बातें कर रहे हैं सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अपने खुद के बेटे की गलती आपको नहीं दिखती, इधर आप स्कूल के हेडमास्टर हैं। अपने बेटे की गलती आपको सही लगती है, बॉबी की गलत हरकतों को आप ही बढ़ावा देते हैं। बॉबी को अगर स्कूल से निकाल दिया गया ना तो कोई भी दूसरा स्कूल उसे एडमिशन नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। ओह, ये चिकन कैसे खा रहा था, यही बात है ना? तो मैं बताती हूँ, वन मिनट। देखिए सर, इस टिफिन पर क्या लिखा है, SR सायरा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो वो सामने खड़ी है, पूछ लीजिए। इस लड़की ने अपने टिफिन से बालू को
चिकन शेयर करने के लिए कहा था। ऐसे कैसे बैठे हो बेटा? हाँ? मैं तेरे लिए चिकन बिरयानी लाया हूँ। ये तेरा फेवरेट वाला चिकन बिरयानी है। रहने दो पापा, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुझे क्या हो गया? चल पहले खा ले। आज मुझे बहुत दर्द हो रहा है पिताजी। अरे तुझे क्या हो गया बेटा? तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं कुछ भी नहीं। हाँ? बालू हाँ। क्या हुआ तुझे? तुझे किसी ने मारा क्या बेटा? बोल ना बालू बेटा। नहीं मुझे कौन मारेगा, मैं स्कूल में दौड़ते समय गिर गया था। तुझे रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। हाथ पैर धो के आ जा, मैं तुझे तेल लगा देता हूँ। चल जल्दी आ जा। पैंट थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा टाइट है, तभी तो दर्द जाएगा। पैर के बल कैसे गिरे? देखो तुम्हें कितनी चोट लग गई है। देखो आज से ये सब छोड़ दो तुम। धीरे धीरे पिताजी। आज मैं तुम्हारी लक्ष्मी टीचर से मिला था। वो बोल रही थी तुम पढ़ाई में कम ध्यान देते हो और खेल कूद में ज्यादा मन लगता है तुम्हारा। तुम्हारी टीचर मुझे यही सब बता रही थी। पिताजी आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं चोर का बेटा हूं ना। बेटा तुम अपने पिताजी को चोर कह रहे हो? अरे मैं क्यों अपने पिताजी को चोर कहूंगा, सॉरी ये बालू के मुंह से गलती से निकल गया। बालू सॉरी यार, बॉबी ने तेरे साथ इस तरह का मजाक किया। कोई बात नहीं, मैंने तो उसे कब का माफ कर दिया। ये हुई ना बात, मैंने पहले ही कहा था ना ये हमें माफ कर देगा। नहीं तो क्या, बॉबी हेडमास्टर का बेटा है, उससे ये हमेशा नफरत करेगा। अरे मैं क्यों नफरत करूँगा? अच्छा ठीक है, क्या तू इससे बदला लेगा अब? नहीं नहीं मैं उससे बदला क्यों लूंगा भला। मैंने कहा था ना ये अच्छा लड़का है। सब लोग इधर आ जाओ। आओ चलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है। ये स्कूल की इज्जत का सवाल है। स्कूल में और भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से तुम लोगों को सिलेक्ट किया गया, ये ध्यान रखना। हमें जीतना ही है, हमें साहस और विश्वास होना चाहिए। रेडी वार्म अप। ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसा ही करोगे तो हम लोग स्पोर्ट्स कंपटीशन में कैसे जीतेंगे? सर वो नमक वो। तुम कैसे मामूली कंपटीशन समझ रहे हो? इसमें हमारी स्कूल की इज्जत का सवाल है। पिछली बार हम थे, इस बार भी बड़े बड़े स्कूल ही आगे हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी बड़े बड़े स्कूल आए हैं कंपटीशन में। आज जो स्पोर्ट्स चालू होने जा रहा है वो जूनियर क्लास की है। सबसे पहले 100 मीटर की रेस होगी। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से स्वागत है और सभी को मेरी तरफ से शुभकामना है। बॉबी कम ऑन गेट रेडी। सबसे पहले देखो बॉबी अच्छे से दौड़ना, तैयार रहिएगा। मैं सभी विद्यार्थियों को अनुरोध करता हूँ खेल में नियम बनाए रखें, बस खेल अभी शुरू होने वाला है।
पीछे। बॉबी गया 100 मीटर की रेस में, 9 नंबर वाली निशानी मार ली। अब हेडमास्टर क्या बोलेगा? 10 नंबर सेकंड रहा। अगले राउंड के लिए दोनों को स्वागत है। हेलो सर। सर सुनिए, बॉबी तो हार गया। वो सबसे पीछे दौड़ रहा था। अब सेकंड राउंड चालू होने जा रहा है। पार्टिसिपेट किए हुए सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बालू इधर आओ। अब अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। अपना अपना जोश दिखाते रहना, अच्छा प्रदर्शन करना ये चाहते हैं। कीप इट अप। सभी बच्चे अपने अपने जगह पे आ जाओ, जल्दी करो, समय हमारे पास कम है। आ जाओ, गुड, वेरी गुड। अब तैयार हो जाओ दौड़ने के लिए। अब कुछ ही समय में दौड़ शुरू होने वाला है। बालू ने बाजी मार दिया है, शानदार प्रदर्शन करके स्कूल का नाम रोशन किया है। थैंक यू वेरी मच बालू, ऐसे ही करते रहना और बाजी अपने हाथ में रखना। थैंक यू सो मच, हमें गर्व है तुम पर बालू। ये बालू की ये जीत हमारी क्लास की जीत है। बालू की तरह अब तुम सबको भी अपने अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह का ट्रॉफी लाना चाहिए। जब तुम सब जीतोगे तो वो ना सिर्फ तुम लोगों के लिए बल्कि हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बॉबी इधर आओ। क्या हुआ बॉबी? एक कंपटीशन ही तो हारे हो तुम, कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल मत करना। ओके अरे अरे, ये कप तो बहुत बड़ा है, इसमें 2-3 ग्लास चाय आ जाएंगे। चाय? हाँ। मुझे वापस दो दादी। हाँ। क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ बेटा? तू यहाँ यहाँ की लोगों की नजर खराब है। आ पहले तेरी नजर उतारता हूँ। अरे ये पटाखों की तरह फट रहा है। तेरी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तेरे ही बच्चे हैं। अरे मेरे भी तो 5-6 बच्चे हैं। अरे माँ, मैं यही सुन सुन के पक चुका हूँ। अभी अभी आप यहाँ से कृपा करके चले जाओ। अरे जाओ ना माँ, बोल रहा हूँ। तू जाने और तेरा बेटा जाने, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। कोई नहीं आएगा तेरे यहाँ। पिताजी दादी को मत डांटिए प्लीज। कल तू मेरे पास आ, बताती हूँ। मैं तो ऐसे ही माँ के साथ मजाक कर रहा था बेटा। टीचर, अभी तक कहाँ थे तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आते टाइम साइकिल पंचर हो गया। ये क्या है बॉबी? तुमने सिगरेट पी है क्या? नहीं टीचर। तुमने सिगरेट पी है या नहीं? नहीं टीचर। पॉकेट में क्या है? कुछ नहीं। क्या है? चलो निकालो। कुछ नहीं है। चलो निकालो। सिगरेट है ना ये? हाँ चलो निकलो।
टीचर नहीं, निकलो टीचर, निकलो यहाँ से। तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे पापा को बताऊं? नहीं। चलो चलो निकलो। नहीं, नहीं टीचर, चलो। देखिए सर, आपके बेटे की हरकत देखिए, ये स्कूल से बाहर निकलकर चुपचाप सिगरेट पीता रहता है, लेकिन आप इसे सुधारेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आपका बेटा है ना। पी इसको सर रुके। इसकी पिटाई करने के लिए आपके पास नहीं लाई, सिर्फ बताने के लिए लाई हूँ, ताकि आप अपने बेटे को सुधार सके। मैं सब कुछ जान गया, सब कुछ। बच्चों के लिए हम अध्यापक उनके लिए एक उदाहरण जैसे हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं सर। आप इसे समझाकर सुधारने की कोशिश कीजिए। चलो देखा जाए तो इन सब की वजह वो बालू है। हाँ यार, हम उस बालू को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। उसका क्या करना है मैं जानता हूँ। ए बालू जल्दी चलो। पूरा ड्रेस गंदा कर दिया। ओफो। पकड़ो जरा। चलो बालू। इस चैप्टर को पहले टीचर ने पढ़ाया था, मैं जानता हूँ। टाइम क्या हो रहा है? हैं? कपड़े में कीचड़ लगा के कहां से आए हो? हैं? जवाब दो मुझे। आते वक्त गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उड़ा दिया। सारा तुम अंदर आओ, तुम वहीं पे खड़े रहो। ट्रायंगल क्या है? क्या हुआ बालू? बताओ मुझे। आते वक्त गाड़ी ने मुझ पर कीचड़ उड़ा दिया। ट्रायंगल में तीन एंगल तो होता। तुम बाहर क्यों खड़े हो? जानते हो ना? चलो अंदर। उसमें जो... एक्सक्यूज मी सर। क्या बात है टीचर? सर, इस लड़के की क्या गलती है जो इसे क्लास से बाहर किया? इसने कोई गलती नहीं की है, लेकिन इस हालत में इसको दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिठा सकते हैं? सर का बेटा अगर इस हाल में होता तो सर यही करते क्या? आओ बालू, इधर आओ। अरे तुम इस तरह देख क्यों रहे हो? हाँ आओ आओ आओ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी हम पढ़ेंगे माँ के बारे में। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे प्यारा होता है, आज मैं उसी के बारे में बताऊंगी। एक माँ और उसके बच्चे के प्यार के बारे में बहुत लोगों ने लिखा है। माँ और बच्चे के प्यार के बारे में कविताएं भी लिखी गई हैं।
आज हम सुनाएंगे। सुनो, ध्यान से सुनना और सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसे याद करना है। बालू, 10 मिनट में ये शर्ट सूख जाएगा। मैं क्लास लेने जा रही हूँ, टाइम हो गया है। ठीक है बालू, तुम यहाँ बैठो, शर्ट सूख जाने के बाद पहन के आ जाना, मैं चलती हूँ। ठीक है। पिताजी, क्या हुआ बेटा? मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? पूछो ना। इधर तो आओ। तू इधर आ ना, दिख नहीं रहा है तुझे मैं साइकिल बना रहा हूं? ओह, ये आपकी साइकिल और आप। पिताजी, मेरी माँ बहुत सुंदर थी क्या? तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है मुझसे? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा। पिताजी, अगर मेरी माँ होती तो मुझे बहुत प्यार करती ना। तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? क्या मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार नहीं दिया? फिर भी टीचर मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी मैं टीचर को देखता हूँ तो मुझे उनमें मेरी माँ दिखती है, टीचर माँ। बेटा, वो बहुत बड़े लोग हैं, हम तो बहुत गरीब हैं। ये सब फालतू बातें सोचो मत। तुम बहुत ही समझदार हो बेटा, इसलिए टीचर तुम्हें बहुत पसंद करती है। बेटा, तुम्हें पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है, तब तुम्हारी टीचर तुम पर बहुत खुश होगी। टीचर माँ, टीचर माँ। अब क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। टीचर माँ, टीचर माँ। दो दिन तक नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? ये चाबी बनाने वाले को बुलाया, अभी तक आया नहीं। वो अभी तक क्यों नहीं आया? सर, क्या हुआ? चाबी गुम हो गया है, चाबी बनाने वाले को बुलाया है। कब तक आएगा सर? आता ही होगा। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे बालू बेटा, तुम दोपहर का खाना लाना भूल गए थे, ऐसा क्यों करते हो तुम? इधर क्या हुआ है? तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? स्कूल की चाबी गुम हो गई और एक चाबी ऑफिस रूम के अंदर ही है, इसलिए ऑफिस खोलना है और वो चाबी लेनी है। अच्छा, सर अगर आप बुरा ना माने तो इस ताले को मैं खोलने की कोशिश करूं क्या? चाबी वाले को बुलाने के लिए आदमी गया हुआ है। चाबी वाले का आना मुश्किल है, अगर आप कहें तो मैं खोल देता हूँ। तो ठीक है, फिर तुम ही खोलो। कैसे खड़े हैं, ये चाबी खोलने वाला कब आएगा? बेटा, तुम्हारा क्लिप देना। ताला खुल गया। छे, इसके पिताजी ने तो खेल खराब कर दिया। लीजिए सर। लाइए।
बहुत अच्छी टेक्निक यूज किया। थैंक यू। क्या बात है। आइए बेटा मैं चलता हूँ। एक चोर को ताला कैसे खोलना है सिखाना नहीं पड़ता है। इसके पिता की तकलीफ दूर हो जाएगी। ये तो चोर है, इससे बड़ा ताला भी खोल सकता है ये। कोई भी ताला ये खोलेगा क्या? हाँ जरूर खोलेगा, चोर जो है। पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? सुनो बालू, तुम इनकी बातें सुनकर दुखी मत होना, ओके? ओके? ए बालू, इधर आ। मुझे छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। पिताजी आप इतनी दारू पीकर क्यों आए हो? अपने पिता को देख के तुम क्यों डरते हो बेटा? रहने दो, आप मुझसे बात मत करो। क्यों बेटा? आपने इतनी क्यों पी पिताजी? नहीं बेटा, नहीं, छोड़ो बेटा, छोड़ो मुझे। संभल के। मैं शराब कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं अंदर से टूट गया बेटा, अंदर से टूट गया। तुम्हारी माँ ने मुझे चोर बना दिया, क्योंकि वो बहुत जल्दी हम दोनों को छोड़कर चली गई। उस वक्त मैं दुखी नहीं हुआ बेटा, लेकिन आज मेरे बेटे को किसी ने चोर कहा, मैं अंदर से टूट गया। अभी मैं कुछ करूंगा तो लोग कहेंगे मैं चोर का बाप हूं, ये दाग कभी नहीं मिटेगा। इस कलंक को मैं अपने सर से कैसे मिटाऊं बालू बेटा, कैसे मिटाऊं? मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ता है, ये सारी की सारी गलती मेरी है। ये बात सच है बालू बेटा कि मैं भी अंदर से घुट घुट कर जी रहा हूं इस नाम से। पिताजी रोइए मत, रोइए मत। चाहे कोई कुछ भी कहे पिताजी, आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही हैं पिताजी। आइंदा कभी मत पीजिएगा पिताजी। बालू के पास इस पिता के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं वादा करता हूँ बेटा, आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हाँ। मैं निकल रहा हूँ। सुनिए, ब्रेकफास्ट करके जाइए ना। सॉरी लक्ष्मी, मैं पहले से लेट हो चुका हूँ, आज हाफ डे है। नहीं नहीं, आप बैठिए, कुछ भी हो आप नाश्ता करके जाइए। यस। पेशेंट के हेल्थ केयर के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन खुद के हेल्थ के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं आप। मेरा ध्यान तो तुम ही रखती हो। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। आपको जय शंकर सर है क्या? जी हाँ। सर के लिए कुरियर आया है। सुनिए, आपका कुरियर है। हाँ रुको, मैं आता हूँ। कुरियर ये लीजिए। कहाँ से आए? थैंक्स, थैंक यू सर। ओके। ओह, ये तो मेरे फ्रेंड ने भेजा है, चाइना से, डॉक्टर जेम्स पीटर। देखो उसके चेहरे पे कितना ग्रेस है। सी आंसर, ही इज द चाइनीज डॉक्टर। जेम्स हमेशा कहते हैं ये तो रोल मॉडल है। ही इज स्पिरिचुअल मास्टर। देखने में तो सन्यासी जैसे लग रहे हैं। अरे तुम लोग जल्दी करो यार।
करना जल्दी। ओके बॉयज कम ऑन। नेक्स्ट मंथ के एंड में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है। इस स्कूल में सिर्फ तुम ही लोगों, ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। बड़े बड़े स्कूल्स के सामने हमारे स्कूल का नाम तुम लोगों को रोशन करना, याद रखो। तैयार हो जाओ। बालू बालू उठो। क्या हुआ बालू? बालू क्या हुआ? बालू बालू उठो बालू। पिताजी बालू, पिताजी पिताजी उठो उठो, संभाल के ले ले चल पिताजी। हेलो, क्या हुआ स्टीफन सर? क्या बालू को? हाँ जल्दी से हॉस्पिटल में लाइए, जय अभी वहां पहुंचने वाले हैं। ओके। क्या हुआ लक्ष्मी? स्कूल से पीटी सर का फोन था। क्या है, क्या हुआ? व्हाट डू फील? रेस के प्रैक्टिस के वक्त बालू अचानक गिरा और उसके पैरों में कांच चुभ गया, तो मैंने उसे अपने हॉस्पिटल में लाने के लिए कहा है। ओ, तुम हमेशा जिस बालू की बात करते हो वही है क्या? हाँ वही बालू, इंटर स्कूल कंपटीशन में 100 मीटर रेस में फर्स्ट आया था। वो आगे चलकर बहुत बड़ा रनर बनना चाहता है बेचारा। चलो बेटा यहाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी, चलो जल्दी सीधा सीधा जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पेशेंट वहाँ है सर। चलो ओके। हाँ सर। मुंह खोलो। हाँ बालू तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, लक्ष्मी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। हाँ यहाँ भी लगा है। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ जस्ट सिस्टर आयोडीन। एक कुछ नहीं कुछ नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया, जस्ट मिनट, जरा कॉटन देना। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक हो गया, टेंशन मत लो, कुछ नहीं कुछ नहीं। पिताजी रिलैक्स रिलैक्स। ओके ओके बाबा ओके। पिताजी ओके पिताजी, कुछ नहीं होगा, कॉटन। हाँ ओके ओके हो गया बालू। ओके हाँ ऐसे दिखाओ, हाँ ये दिखाओ। हाँ ओहो हो जाएगा ठीक, टेंशन मत लो। ओके ओके कॉटन देना। ओके ओके बालू ओके 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 रिलैक्स। हाँ सब ठीक हो जाएगा। बालू कहाँ है? हाँ क्या? बालू बिल्कुल ठीक है, बस उसके पैर में चोट लगी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसको कुछ भी नहीं हुआ वासु, बस दौड़ते समय गिर गया। अभी वो बिल्कुल ठीक है वासु। बेटा बेटा
पिताजी। ये तुझे क्या हो गया बेटा? मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी। खा लो, बालू को जो सबक सिखाया वो इसके लिए ट्रीट है। सही निशाना लगा के हमने उसे गिरा दिया। हाँ, तुम्हारे पिताजी का तो बड़ा नाम है और तुम उन्हीं के बेटे हो। ज्यादा मत बोल, चुपचाप खा। अरे सच कड़वा होता है। अरे चल चुपचाप खा तू। ए, चुप करना, कुछ भी बकवास करता है। बॉबी तू भी खा रहा? नहीं यार, मनी को आने दे। बॉबी, बॉबी सुन, क्या हुआ? बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो सर बालू को महालक्ष्मी मैडम के हॉस्पिटल लेकर गया है। तो क्या हुआ? उससे कहीं भी ले जाए पर ठीक होने में 1 महीना लगेगा, बिकॉज उसके बॉडी में कांच के शीशे अभी भी हैं। जो कुछ भी हो, ये काम हम लोगों ने किया, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जल्दी से ग्राउंड में जाकर कांच के सारे टुकड़े निकाल दो। बस हो गया पिताजी, थोड़ा सा और खा ले बेटा। ये सायरा है पिताजी। बेटा, ये 2 दिन से जिद कर रही थी तुमसे मिलने के लिए। मैंने कहा कि मैं ले जाऊंगा, तब जाकर ये कहीं शांत हुई और आज मैं इसे यहाँ ले आया। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, ये मजाक कर रहे हैं। यही पास में हमारी दुकान है, इसलिए मैं इनके साथ तुमसे मिलने आ गई हूँ। जो भी हुआ अच्छा हुआ, ये अकेले रह रहकर बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब मिला तुझे सुकून। आता हूँ बालू। आइए। दिखाओ बालू। बालू तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? जब मुझे यहाँ लेकर आए थे तो बहुत दर्द था, लेकिन अब कम हो गया। चलो बालू, चलने की प्रैक्टिस करते हैं। अरे बालू, तुम ठीक हो गए? तुमसे मिलने के लिए ही तो हॉस्पिटल आई हूँ। सायरा, तुम भी आ गई बालू से मिलने? सायरा, टीचर का घर यही है, चलो चलते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। तो क्या आप हमें अपने घर ले जाएंगी? अरे क्यों नहीं लेकर जाऊंगी। अच्छा टीचर, ये हॉस्पिटल भी आप ही का है क्या? हाँ, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, मैंने बोर्ड पे नाम देखा इसलिए पूछा। ओह ऐसा। टीचर, अभी मेरा दर्द कम हो गया है, मैं भी आ रहा हूँ। देखा, फ्रेंड आ गए इसलिए तुम्हारा दर्द भी एकदम चला गया। तो फिर चलो। हाँ। ओके। हाँ। आ जाओ। आओ। बैठो। हाँ। अरे टीचर, ये आपका बेटा है क्या? हाँ। इसका नाम क्या है? अश्विनी। अश्विनी बहुत अच्छा नाम है। ऐसा? ये तो मुझे बहुत तंग करता है, अभी ट्यूशन पर गया है। वो 4 बजे घर आ जाएगा, फिर 5 बजे म्यूजिक क्लास के लिए जाएगा। घर पर नहीं रहता तो घर शांत रहता है। चलो कमरे में चलो। आओ आओ बालू। आओ। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं। वो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। सुनो, तुम लोग चाहो तो देखो, मैं तब तक आती हूँ। हाँ।
हो? हाँ? यहाँ देखो। चलो। हाँ। अरे वाह, कंप्यूटर। मुझे तो ये अश्विनी का पुराना कंप्यूटर है। नया कंप्यूटर लेने के बाद वो इसे इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं इसे साफ कर देता हूँ। क्यों बालू, तुम्हें ये चाहिए क्या? चाहिए तुम्हें? अरे कहाँ चला गया, मैंने यहीं तो रखा था। अरे यहाँ भी नहीं है सर, मुझे लगता है आप किसी क्लास में भूल गए हैं सर। हाँ मैं फोन करके देखता हूँ। The number you are trying to reach is currently switched off. स्विच ऑफ बता रहा है सर, ये फोन किसी के हाथ में तो नहीं लग गया सर। छे अब क्या करें, मेरे स्कूल से मेरा ही फोन चोरी हो गया। सर अभी 4 बज रहा है, बेल बजाना है, लेकिन अब मैं क्या करूँ सर। कुछ करते हैं, तुम जा करके बेल बजाओ। हाँ 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 बिल्कुल, बेल को तो बजा के ही रहूंगा। आओ। हाँ आप जाओ, आप रुको। चलो चलो आप जाओ, इधर आओ तुम। हाँ जाओ, आओ तुम आओ। नहीं है, जाओ जाओ जाओ, अब आप आ गया हो। तुम्हारे बैग में जिप नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? हेडमास्टर का फोन खो गया है, इसलिए तलाशी ले रहे हैं। चलो जाओ जाओ जाओ, रुको रुको रुको। आप जाओ, आप आ गया हो। हाँ अरे यहीं रुको। चलो जाओ 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 जाओ। हाँ आप आ गया हो। ये लोग बैग क्यों चेक कर रहे हैं? प्रोफेसर का फोन खो गया, इसीलिए ये लोग बैग चेक कर रहे हैं। आ गया हो। हाँ जाओ जाओ जाओ, अब आप आ गया हो। हाँ क्या नाटक कर रहे हैं लोग हैं, वही तो। जाओ। क्या कर रहे हैं पता नहीं, पता नहीं, देखो तो। जाओ जाओ जाओ, अब तुम आ गया हो। भालू के बैग में मोबाइल? सर ये ऐसा नहीं किया होगा, ये जरूर किसी की साजिश लगती है सर। साजिश? चल तू इधर आ। फोन चोरी करता है, फोन चोरी करता है। नहीं सर, बताता हूँ तेरे को मैं, अभी बताता हूँ। तेरे बाप का काम तूने भी अब शुरू कर दिया है, चोरी करता है, चोरी करता है, यहाँ चोरी करने के लिए आता है, यही सीखता तू यहाँ पे आके, यही सीखता है। अरे फोन चोरी क्यों की, बता। मारिए इतना, छोड़िए, क्यों चोरी की, बोल, बोल, फिर करेगा। इसे मारना बंद कीजिए। ये मोबाइल इसके बैग में कहां से आया मैं बताती हूँ। बताओ। बताता हूँ। हो गया या और कुछ बताना है? अब जल्दी से बताओगे? हाँ
कहाँ था तू यार? मैं तुझे ढूंढ रहा था। इससे बालू के बैग में रख दे। अरे ये तो तुम्हारे पिताजी का मोबाइल है यार। तभी तो इससे मैं बालू के बैग में डालने के लिए कह रहा हूँ। क्या बात है बॉबी, मान गए। हाँ। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है सायरा, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? टीचर वो मैंने उसे बुलाया तो वो स्कूल नहीं आ रहा है। टीचर बालू कहाँ है? वो वहाँ है, मैं चलती हूँ टीचर। बालू यहाँ क्यों बैठे हो? क्लास में नहीं जाना क्या? टीचर मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। तुम रो मत, चलो अंदर चलो। अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। ओहो, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? नहीं जानता, सब मुझे चोर कहते हैं, चोर का बेटा कहते हैं। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ टीचर। जाओ जाओ, जहां मर्जी है वहां जाओ। आज वो लोग तुम्हें चोर का बेटा कहते हैं, कल यही लोग मजाक में तुम्हें चोर कहेंगे। उनकी बातें सुन सुनकर तुम खुद चोर बन जाना, वही ठीक रहेगा। अगर दुनिया बाप को चोर कहता है तो बेटा भी चोर ही बनेगा, इसका मतलब पूरा खानदान चोर ही बनेगा। नहीं टीचर। अगर ये बात है बालू तो तुम इसको बदल सकते हो। आज अगर लोग तुम्हारे पिताजी और तुमको चोर कह के बुलाते हैं तो तुम उसे बदल सकते हो। अब इसका फैसला तुम्हें करना होगा। किसी के सामने तुम्हें हारना नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जीत कर दिखाओ। तुम जो भी करो उस काम को तुम जीत कर दिखाओ। इस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ गर्व करें, सब ये कहें कि हमारा बालू है। बालू मतलब हमारा बालू। बोलो बालू क्या करोगे तुम? मैं पढ़ना चाहता हूँ टीचर। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अब मुझे चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं पढ़ूंगा। गुड। मैं पढ़ूंगा टीचर। गुड। मैं पढ़ूंगा। गुड बॉय, गुड बॉय बालू, माय गुड बॉय, दैट्स माय गुड बॉय। Good boy. मेरे प्रिय टीचर्स, हमारे स्कूल का गौरव और आगे बढ़ाने की शक्ति हमारे प्रिय हेडमास्टर तंगाचंद सर ही हैं, ये सब लोग जानते हैं। और एक खास बात यह है कि हमारे स्कूल का पीटी फंड बहुत बहुत कम है, इसलिए यहाँ के सारे टीचर्स बच्चों से और गांव वालों से हम लोगों ने फंड कलेक्ट करने का फैसला किया है। देखिए मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा और ना कोई टीचर देगा। अगर किसी बच्चे से पैसे वसूल करना चाहो तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर आपको किसी और से लेना है तो ले लो, मुझे नहीं मतलब। एक स्कूल की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो यहाँ नहीं है। इसके पहले पीटी बोर्ड ने क्या किया ये हम जानना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, ये सब फालतू सवाल यहाँ मत करिए। बात कर, मैं स्टीफन सर के सवालों का जवाब देता हूँ। हमारे स्कूल की पूरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए एक मेमोरेंडम मैंने तैयार करके दे दिया है। हमारे कमेटी मेंबर सरवन जी को मैंने दे दिया है और वो सीएम साहब तक पहुंचा दिए। अब हमारे स्कूल की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्या दूर होगी सर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पिछले साल का हिसाब तो दिखा दीजिए सर। मैं आपको हिसाब क्यों दिखाऊं? मुझे जहां दिखाना चाहिए मैं वहां दिखाता हूं। क्या हुआ टीचर, आप मीटिंग में नहीं गई? अरे वहां मेरी क्या जरूरत, हेडमास्टर साहब है ना वहां पर। यहां तो सालों से यही चल रहा है, हिसाब किताब देखना चाहो तो वो नाराज हो जाते हैं।
ये स्कूल है कि वैसे भी तो ठीक ही चल रहा है ना। हाँ टीचर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप रहेंगे तो चर्चा बढ़ जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं ये काम करके आती हूँ। हाँ ठीक है टीचर। सुनो बच्चों, तुम लोग यहाँ जो कुछ भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका कोई भी फायदा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस स्कूल से तुम लोगों को कोई भी फायदा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। देखना, आज की पीटीआई मीटिंग में सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल में फंड ना होने के कारण पेंटिंग में तकलीफ हो रही है। उसके लिए तो बहुत खर्चा होगा ना सर? नहीं, उतना भी खर्चा नहीं होगा। सही बात, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बच्चे कुछ मदद कर सकते हैं क्या? तुम लोग कोशिश करोगे तो मैं सबसे पहला फंड तुम लोगों को देता हूँ। हाँ हाँ, ये रख लो। हाँ इसी बात पे मैं भी दे देता हूँ, 50 रुपए। अरे राजू। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ जी सर। ये लो, आपने देखा सर, बच्चों को देखा? ये लो। हमारे स्कूल के बच्चों के बीच आत्मविश्वास कैसे बढ़ रहा है। टीचर को नीचे दिखाना ही मेरा काम है। वो ने दो। मैं चलूं टीचर? टीचर की बात हमेशा सही रहती है। देख रहे हो बालू? एमपी की कार जा रही है क्या? हाँ तो क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। रुको रुको, चलो बाद में मिलते हैं। एमएचए रात के नशे में कुछ ज्यादा ही बकने लगा। हेडमास्टर जी, बहुत प्रॉब्लम है। वो केरला में खासकर 15 से 20 करप्ट स्कूल बंद हो जाएंगे। मींस केरला में गवर्नमेंट ने 15 से 20 करप्ट सरकारी स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। करप्ट स्कूल तो बंद ही होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या? हमारा भी नंबर है, टीवी न्यूज में अभी बताया, बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बच्चे कम होने के कारण हमारा स्कूल भी बंद किया जाएगा, और इस लिस्ट में हमारे स्कूल का भी नाम है, ऐसा श्रवण बता रहा था। आप फालतू की बातें बंद करो, आपके जो मेंबर है ना वो झूठी बातें करते हैं। अभी तक उन लोगों ने कुछ करके दिखाया है क्या? नहीं मास्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे स्कूल की इम्पोर्टेंट बातें किसी को पता चल गई है। हमारे स्कूल का कोई तो राज उन्हें पता चल गया। इन्वेस्टिगेशन से हमें रिपोर्ट मिली है। अभी ऐसा है, सब तैयार हो जाओ। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, मैं तो कोई अच्छा स्कूल में ट्रांसफर करके यहाँ से चला जाऊंगा। अरे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बोलूं? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चलो अपने अपने क्लास में। सर हमारा स्कूल बंद हो जाएगा क्या? स्कूल बंद करेंगे ये बात हम नहीं मानेंगे सर। तुम लोग ये बात मानो या ना मानो, पर ये सच्चाई है। अगर सुविधा नहीं हुई तो स्कूल बंद करेंगे ना, और अगर सुविधा हुई तो? इधर क्या कर रहा है? चल जा, चल निकल, चल यहां से बाहर निकल जा, चल निकल, बोला ना जा निकल। बेटा क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बैठे हो? मैंने तुम्हें पराठा चिकन देकर गया था, अभी तक तूने खाया क्यों नहीं? खाऊंगा पिताजी। अच्छा तो रुक, मैं तुझे अपने हाथ से खिलाता हूँ। पिताजी पुलिस? पुलिस क्यों आई यहाँ? ए, कहाँ है वासु? सर क्या हुआ? क्या क्या हुआ सर, क्या हुआ?
मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है। आंसू बेटा, पिताजी Stop it! Madam? Yes, madam. क्या है? हाँ? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं है? इस तरह किसी भी आदमी को बंद करके उस पर टॉर्चर करना वेल प्लान्ड है, हाँ? वो क्या है ना मैडम? मुझे कमिश्नर ने बुलाया था, जो दोषी है वो मिल गया है। कोई रॉबरी केस है जिसमें उसका नाम हुसैन, हाँ हुसैन। इसे रिहा कर दो। मैडम, हुसैन का और इस आदमी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इससे क्या कनेक्शन है? पता नहीं, लेकिन इसका बेटा आपके गाड़ी का पीछा करता है। इसका बेटा? हाँ मैडम, उस दिन भी इसका बेटा आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। हमको ये पता चला मैडम। मेरा पीछा कर रहा था? पिताजी, यही है वो लड़का मैडम जिसके बारे में आपको बता रहा था। पिताजी, मैडम 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 रुकिए, मैडम 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 मैडम। हाँ, याद आया, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो स्कूल की बस के लिए आपसे मिलना चाहता था। स्कूल बस? इसका मुझसे मिलने का क्या संबंध है? पता लगा कि आप मदद करती हैं तो? वो मैंने गर्ल्स स्कूल के सामने आपका बोर्ड देखा था। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? पैथाराम गवर्नमेंट स्कूल में। सुविधा न होने के कारण हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, सब लोग ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता था मैडम, आप मदद कीजिए। ओह ठीक है। मिस्टर सुरेश। यस मैडम। आप इनको छोड़ दीजिए। ठीक है मैडम। टीचर, आपको देखे 2 दिन हो गए, कहाँ गए थे? मैं अपने गांव गई थी। यहाँ कुछ हुआ है क्या? टीचर आप वहाँ जाके देखिए, खास बात पता चल जाएगी। टीचर उधर देखो ना। कंप्यूटर लैब, ये अचानक हमारे स्कूल में? कुछ ना होने से तो एक छोटा सा कंप्यूटर लैब ही सही। टीचर कंप्यूटर अपने बालू का है। अपने स्कूल में कंप्यूटर आने से कितना अच्छा हो गया ना। हाँ, अब हम सब भी कंप्यूटर पे पढ़ सकते हैं। अरे तुझे कौन कंप्यूटर देगा, मैं तो नहीं देने वाली। देखो टीचर आ रही है। टीचर? बालू हाथ आगे करो। तुम बहुत स्मार्ट हो, मेरा दिल कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। कांग्रेचुलेशंस। टीचर 2 दिन से आप कहाँ गए थी? वो मैं बाद में बताऊंगी, आज हम साथ में चलेंगे। टीचर हमारे स्कूल बंद हो जाएगा। अरे कैसी बातें कर रही हो, अचानक कोई स्कूल भला कैसे बंद कर सकता है? अरे वो टीवी न्यूज़ पे तो दिखा रहा है। वो हमारे देश में प्राइवेट स्कूल्स बहुत बढ़ गए हैं ना,
इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बहुत कम आने लगे हैं ना। वैसे जो भी स्कूल बंद होने वाले हैं उसमें हमारे स्कूल का नाम नहीं है। स्कूल बंद हो जाएगा ये सुन के मैं बहुत डर गई थी। अब डरने की क्या बात है। ये देखो ये क्या, ये तो टीचर के बेटे की तरह है। बेटे की तरह नहीं, वो मेरा बेटा अश्विनी है। उसे इस दुनिया से गए हुए 3 साल हो गए। लेकिन उस दिन तो आपने कहा कि वो आपके साथ ही रहता है। वो अब हमारे बीच में नहीं है, इस बात का विश्वास मुझे आज भी नहीं होता। अश्विनी कैसे मर गया? पहले ये खा लो बेटा, नहीं तो मैं तुम्हें स्नैक्स नहीं दूंगी। माँ तुम भी जिद करती हो। लक्ष्मी। हाँ। रूम में रखा हुआ पेन कहाँ पे? पेन? हाँ, कहाँ है? आपका पेन मैंने नहीं लिया। शायद आपके बेटे ने लिया हो। ओ। अश्विनी हंस रहे हो? है? आप जरा अश्विनी के बैग में देखिए। बैग में? हाँ। लक्ष्मी। हाँ? इसने कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? अश्विन टेल मी, कहाँ से लिया? वो डैडी रूम में टेबल के पास था। टेबल के पास? देखा, तुम्हारा बेटा चोरी करता है। मैंने इसको बहुत बार देखा है, मैं इसका क्या करूं? चल चल अंदर, चल। सुनिए, चोरी करता है, है? चोरी करता है। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए, सुनिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मत मारिए, दरवाजा खोलिए। उस दिन अश्विनी स्कूल तो गया, लेकिन लेकिन वो घर वापस नहीं आया। वो बहुत ही जिद्दी था और हमने भी कभी उसे कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ और प्यार से पाला उसे, लेकिन वो हमारे प्यार को समझ नहीं पाया। उसके गायब होने के 4 दिन के बाद पेपर में उसके बारे में देखा। कोयंबटूर में गंदे कपड़ों में वही था। लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरा अश्विनी मुझ में, उसे इन हालात में देखने की हिम्मत नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो वापस आएगा, मुझसे माफी मांगेगा और मुझे गले लगा लेगा। इसी विश्वास के साथ मैं जी रही हूँ। मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा टीचर।
टीचर। हाँ बालू बेटा, क्या हुआ तुझे बेटा? नहीं कुछ नहीं, सपना देख रहा था। ओफो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। सपने में ऐसा कोई चिल्लाता है क्या? ये लो पानी पी लो और सो जाओ। चलो चलो आप सो जाओ। मनोहर, हमारे एरिया को सुधारने के लिए एक बार आप एमपी से बात करो ना। अरे ये कैसे होगा, पहले वहाँ तीन रास्ता बनेगा ऐसा एमपी ने कहा था। अरे तुम लोग झगड़ा बंद करो, मैं सबका काम करवाता हूँ, अंदर जाके मैडम को बता देता हूँ। मेरे काम के बारे में भी? हाँ बताता हूँ। मैंने जिन फाइल्स के बारे में बताया था वो आपने रखा? हाँ मैडम, सब लिया हुआ है। मैडम वो बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वही जो अपने वार्ड मेंबर हैं, वो अपने अपने काम कराने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? मैडम वो नया फंड आने की बात कैसे लीक हो गई पता ही नहीं चला। ये बात है, इस बार फंड अलॉटमेंट का कहाँ किस जगह इस्तेमाल करना है मुझे पता है, इसके बारे में मुझे किसी से भी कोई राय नहीं लेनी। ठीक है, गाड़ी रेडी है? मैडम चलिए। अरे मैडम आ गई। नमस्ते मैडम। मैंने इनको सब कुछ बता दिया है, वो देख लेंगे। हाँ चलिए। पिताजी आप क्या सोच रहे हैं? मेरे बेटे के पास पिताजी के अलावा कोई नहीं है। बेटा तू अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छे से पढ़कर बड़ा आदमी बनना बेटा। मैं ये बात दूसरों के मुंह से सुनना चाहता हूं बेटा। वासु का बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया, वासु की इच्छा से बहुत बड़ा आदमी। आप चिंता मत करिए पिताजी, आपकी सारी इच्छा मैं पूरी करूंगा पिताजी। पिताजी कल दुखी थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही। क्या कहा उन्होंने? कि तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनना। अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ूंगा। हाँ बालू, क्या हुआ बालू? बालू क्या हुआ तुम्हें? बालू बालू क्या हुआ? बोलो ना। बालू बालू क्या हुआ? क्या हुआ बालू? बालू बालू क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ बालू? इसको क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया सर। तुम्हें क्या हो गया बालू? तुम इस तरह अचानक गिर क्यों गए? मुझे लगता है इसे कुछ हुआ है। बालू क्या हुआ तुमको? नहीं अचानक चक्कर सा आ गया। अब ठीक हूँ। अभी ठीक हो ना? चलो उठो बालू, उठो उठो उठ जाओ, उठ जाओ। बालू अभी तुम्हें स्पोर्ट्स कंपटीशन में जीतना है, जीतने वाला खिलाड़ी कभी गिरता नहीं है। अभी चलो प्रैक्टिस करना है। ओके कम ऑन। कैसी बात कर रहे हो सर, मैं जरूर जीतूंगा। कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी से अब तैयारी में लग जाओ। हाँ हाँ चलो चलो, चलो चलो। चलो बालू चलो, संभाल के चलो।
Come on. Go fast. Go fast. बालू क्या हुआ तुमको? पानी दो जल्दी। बालू उठो। चाय दूं क्या? नहीं। क्या हो गया आपको? आज मूड कुछ ऑफ लग रहा है? आई एम टोटली डिस्टर्ब। मेरे से अब ये सब कुछ हैंडल नहीं होता। मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, कैसे संभालूं सब कुछ। नेक्स्ट ट्रिप चाइना जाने का प्लान किया, कैसे जाऊं? डॉक्टर जेम्स वहां पे कुछ प्लान कर रहे हैं। लक्ष्मी, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारा खुद का हॉस्पिटल है और तुम ये टीचर की नौकरी क्यों कर रही हो? रिजाइन देकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट संभाल लो जितनी जल्दी हो सके। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? मैं क्यों रिजाइन दूं? आपके दिमाग में हर वक्त काम ही काम रहता है। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ वो बच्चे, उन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूं। ए लक्ष्मी, आई एम सॉरी, रिलैक्स। तुम्हें पसंद नहीं है ना, मत करो। पहले आंसू पोछो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिल को नहीं दुखाया है। ओके, डोंट वरी, मैं ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। और कोई रास्ता नहीं है क्या? प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से आप अनजान बन के रह रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? मैं डॉक्टर शेखर का पैर पकड़ लूं क्या? वो दामाद की मदद करें, ये मेरे से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी मंजूरी चाहिए। पिताजी आएंगे, वो कह रहे थे। अब उनमें वो सब प्रोफेशनल ईगो और प्राउडनेस जैसी बात नहीं रही, बहुत ही बदल चुके हैं आजकल। माँ के चले जाने के बाद वो बहुत ही अकेले हो गए। आज पहली बार उन्होंने मुझसे बहुत देर तक अपने दिल की सारी बातें कही। मैं तुम्हारे बीच में रुकावट नहीं डालूंगा। तुम बुलाना चाहती तो बुला लो द ग्रेट डॉक्टर मिस्टर शेखर को। बेटा क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। किताब बंद करो, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना है पिताजी, आप चले जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, कल मॉडल एग्जाम है। बेटा बालू, अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो कभी मेरी बात ही नहीं सुनता है।
बालू, बालू क्या हुआ? बालू, बालू, बालू क्या हुआ? अरे अरे क्या हो गया तुम्हें बालू? बालू, 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 बालू क्या हुआ? बालू क्या हुआ से? बालू क्या हुआ तुम्हें? बालू, बालू, बालू कुछ तो बोलो, क्या हुआ? बालू क्या हो गया तुम्हें? बालू क्या हो गया इसे? हाँ क्या हुआ? हमें नहीं पता मैडम। क्या हो गया इसे बोलो सारा। मुझे नहीं पता। बालू, बालू, बालू क्या हुआ? बालू, 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 था तुम्हें? क्या हुआ बालू? बोलो। आलतू जालतू आई बला को टालतू, आजा बाहर, आजा बाहर, आजा, मैं कहता हूं तू बाहर आजा। मैं कहता हूं तू बाहर आजा, ये शैतान, तू इस बच्चे के शरीर से बाहर आ जा। इसके अंदर मुंडी डाल, डाल मुंडी, इसके अंदर मुंडी डाल। नहीं डालेगा तू? नहीं? आल तू जाल तू। हे भगवान, बचाओ बालू, बेटा बालू, मेरे बेटा बालू, बालू मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? बेटा मेरे बेटे को क्या हो गया? बालू अरे कोई संभालो इसे, क्या हो गया बालू? बालू तुम लोग सब अच्छे से चेक करो, ठीक है? नमस्ते सर। नमस्कार, मैं इस स्कूल का एचएम हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता। नहीं, पहले मुझे पूरा स्कूल चेक करना है, ठीक है? ओह, मिस्टर तंगाचंद सर, तुम्हारे स्कूल के टीचर श्रीमती लक्ष्मी नायर इस स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम की है। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल को अच्छे पोजीशन में ला दिया, इसीलिए गवर्नमेंट इसे बंद नहीं करेगी। आपके स्कूल के टीचर लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चे भी अच्छे हैं, और खासकर आपका वो स्टूडेंट, क्या नाम है आप? बालू। कांग्रेट।
लो। एक स्लाइन चढ़ा दो। क्या हुआ जय? ये लक्ष्मी के स्कूल का लड़का है। हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन ये टेस्ट नेगेटिव है। अभी इसे फीवर है। फाइल दिखाना मुझे। लीजिए। रिलैक्स। ये टेस्ट करवा के दिखाओ। ठीक है सर। थैंक यू। सिस्टर, बालू किस रूम में है? बेटा, बेटा। पिताजी। क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, हमारे घर में चोर घुसकर मेरी ट्रॉफी ले गया पिताजी। बालू, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरी ट्रॉफी घर में ही है। नहीं, नहीं पिताजी, आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी। मैं अभी अपनी ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी ट्रॉफी देखना चाहता हूं। तू गुस्सा मत कर बेटा, मैं तेरी ट्रॉफी अभी लेकर आता हूं। अंकल। आओ बच्चों। बालू, हमारा स्कूल डिजिटल स्कूल होने वाला है, वो भी तुम्हारी वजह से। पिताजी, ये लोग कौन है पिताजी? तुम लोग यहाँ बैठकर बालू से बातें करो, मैं इसका ट्रॉफी लेके आता हूँ। ठीक है। ठीक है बालू, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम सब तुम्हारे फ्रेंड बनना चाहते हैं। बालू, हमें माफ। अरे ये तो कुत्ते ने काटा था, वो चोट है। सुन। हाँ, इसे पकड़। हाँ हाँ, अब तू काम कर। कर रहा हूँ। वहां पे आराम से। अरे क्या हो गया बालू? इसे कुत्ते ने काट लिया। क्या हो गया? हाँ, कुत्ता काट लिया। कुत्ते ने काट लिया। माय गॉड, क्या हुआ सर? मेरा शक सही निकला। इट इज अ क्रिटिकल स्टेज, रैपिड वायरस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा अफेक्ट हो चुका है। कुत्ते ने लगभग 2 महीने पहले काटा था। अब हमारे बस में कुछ नहीं है। ये बात लक्ष्मी तो बिल्कुल सही नहीं कर पाएगी। डोंट वरी, मैं उसे समझा दूंगा। वो लड़का उसका बेटा तो नहीं है, जस्ट अ स्टूडेंट। क्यों जी, मैंने जो सुना वो सच है? लक्ष्मी, वो मैंने जो सुना वो सच है कि नहीं? यस। नो, नो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो बहुत सीरियस है, हमें उसे जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ेगा। मतलब उसे सेल में बंद करेंगे? नहीं,
मैं नहीं मानूंगी। और कोई रास्ता नहीं लक्ष्मी, मैं नहीं भेजूंगी उसे। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। मेरा बेटा अंदर है सर, मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मेरी बेटी के साथ पढ़ने वाला लड़का यहाँ भर्ती है, उसे ये बिरयानी बहुत पसंद है, उसे ये बिरयानी देके मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मिलने नहीं मिलेगा, यही बाहर से ही देख लो और तुम चले जाओ। मालू, बालू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, उठो ना बालू, देखो ना। तुमने देख लिया ना उसकी हालत कैसी है, अब तुम जाओ। चलो बेटी। पिताजी, बालू को यहाँ क्यों बंद करके रखा है, इनको खोलने के लिए कहिए ना पिताजी। अंकल आप इसे खोल दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, खोल नहीं सकता मैं, तुम लोग जाओ इधर से, जाओ इधर से। चलो बेटी। पिताजी आओ, आओ बेटी आओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ पिताजी। चलो निकलो, बाद में मिल लेना। चलो पिताजी, मुझे बालू से मिलना है, उसे बंद करके क्यों रखा है पिताजी? हम उससे अभी नहीं मिल सकते हैं। हाँ। हम बाद में मिलेंगे। अंकल। हाँ? क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? बालू को वहाँ बंद करके क्यों रखा है अंकल? बंद करके रखा हुआ है, कहाँ पर? वहाँ अंकल। हाँ? बालू। मेरे बेटे किधर जा रहे हो? नहीं नहीं, अंदर नहीं जा सकते तुम। नहीं नहीं, नहीं जा सकते अंदर, बोलो ना। अरे छोड़ दो मुझे, किधर जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते तुम, चलो बाहर चलो। अरे किधर जा रहे हो? अरे बाहर चलो, बोलो ना बेटा। बालू चलो, तुझे क्या हो गया मेरा बेटा? छोड़ दो, चलो बाहर चलो। कौन है ये? बालू, ये लड़के का बाप है। चलो, अरे बाहर चलो। देखो ना मेरे बेटे क्या हुआ। सब्र रखिए, तुम्हारे बेटे को कुत्ते के काटने से उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया है, आप चिंता मत करिए, हम है ना सब ठीक हो जाएगा। कैसे भी करके मुझे अंदर जाने दो, मुझे मेरे बच्चे से मिलना है। ये लो सारे पैसे रखो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं, इसे मैं नहीं रख सकता, आप रख लो। ऐसा मत कहो साहब, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। बालू, बालू, मैं तुम्हारा ट्रॉफी लेके आऊं बेटा, मेरा बेटा, तुम्हारा ट्रॉफी। अरे चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर, बाहर बाहर चलिए, मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। चलिए चलिए बाहर, चलिए मेरे बेटे से मिलने दो। बालू, अरे बाहर 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 चलिए। बालू चलो बाहर, चलिए। अरे चलिए बोल रहा हूँ, बाहर चलिए। अरे चलिए बाहर, चलिए। बालू मेरा बच्चा। अरे चलिए चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर 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 चलिए, चलो बाहर बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। अरे आइए, अरे उठिए, चलिए बाहर, चलो मुझे मिलने दो प्लीज। Thank you.
नमस्ते। नमस्ते मैडम, आइए। मैं लेट हो गई आने में, सॉरी। ए, जोर से बजाओ। थैंक यू। ये मुझे दीजिए। समय हो चुका है, अब आप रिबन काटें। जी काट। तो मैं रिबन काटूं? अब बच्चों को बस में चढ़ने के लिए बोलिए। चढ़ो, चल आ जाओ बच्चों। ये सब जिसकी वजह से हुआ है, वो लड़का बालू कहाँ है? वो बालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है बालू? क्या हुआ सर? हाँ, क्या बात है सर? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब। कैसे भी करके बचा लो साहब। पिताजी, 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 मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पिताजी जल्दी निकालिए। पिताजी आप रोइए मत। पिताजी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। पिताजी आप रोइए मत, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। पिताजी मुझे घर ले चलिए, ले चलिए। पिताजी, 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 बालू, बालू, मेरा बेटा, मैं तुम्हारा ट्रॉफी लेके आऊं बेटा, तुम्हारा ट्रॉफी, बालू, 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 मेरे बेटे से मिलने दो, बालू, बालू, बच्चे को क्या हुआ? बालू, मेरे बच्चा, मेरे बच्चा। बच्चा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? बालू, बालू, मैडम आपको कुछ चाहिए क्या? अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, जाओ। आगे बताइए, कैसा है बालू? मैं बालू से मिलना चाहती हूँ। पिताजी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज सुनिए ना, मुझे बालू से मिलना है। नहीं। आप मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। नहीं लक्ष्मी, उसे इस हाल में देख नहीं पाओगी। नो, आप उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ वक्त से बालू मुझे मेरे बेटे जैसा लगने लगा। नहीं,
किसी भी कीमत पे मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरा अश्विनी मुझसे दूर गया आपकी वजह से। अगर इस बार बालू को कुछ हुआ तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। लक्ष्मी, हेलो, प्लीज जेम्स, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, आखिर बात क्या है बताओ तो। लक्ष्मी मेंटली अटैच थी उस लड़के से जिसे सेल में बंद किया है। What do you mean? अभी जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ तुम्हें उस पर यकीन नहीं होगा। तुम्हें क्या, किसी को भी नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात बिल्कुल सच है, हमें उसे बचाना ही होगा। जेम्स, आर यू मैड? मेडिकल एथिक्स के अनुसार वो मरेगा, हम ही नहीं उसको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम इस पर यकीन करने से पहले मिरेकल इज गॉड नेट पर जाकर तुम सर्च करो। प्लीज फोन कट मत करना। तुम मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास मत करो, लेकिन 85% तो करो, बाकी तो सब। थियान इज अ प्लेस ऑन द चाइनीज बॉर्डर, होम टू आचार्य चियानसा, द मास्टर हीलर। आचार्य ट्रीट्स पॉइजन एफ्लिक्शंस लाइक स्नेक बाइट्स एंड रेबीज यूजिंग चाइनीज हीलिंग टेक्निक्स एंड मॉडर्न मेडिकल मेथड्स। आचार्य यूजेस अ स्पेशल स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिमोट माउंटेन्स ऑफ चाइना। This stone is treated with medicated oil and herbs. During the time of treatment, Acharya raises the body temperature of the patient way above normal levels and the stone absorbs the poison from the human body. After this treatment, 85% of the patients become normal. And yes. Acharya Chiansa came to be known as the miracle of God. Miracle of the God. Yes. ये देखो। बालू, बॉबी सुनो, इधर आओ, मुझे यहां से निकाल के मेरे घर ले चलो। मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हमें भी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम इन लोगों को समझाओ ना यार, यहाँ मेरी बात कोई भी नहीं सुनता है। दोस्त, मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है मेरे दोस्त? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यार तू मुझे सच बता ना, आखिर मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? चलो चलो जल्दी बाहर चलो। अंकल, दोस्त मुझे भी यहाँ से ले चलो। दोस्त चलो चलो। दोस्त मुझे निकालो यहाँ से। दोस्त सुनो, मुझे यहाँ से निकालो, ले चलो मुझे अपने साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हाँ चलो, मेरी बात चलो, चलो। सुनो दोस्त अंकल, Thank you.
कैसा है ये अंधेरा, क्या है गुनाह मेरा, गम में है डूबी जिंदगी, कैसी है ये अनहोनी, हमसे खता क्या हुई, कैसी है ये दुनिया रे, कैसा है ये अंधेरा, क्या है गुनाह मेरा। पापा का भरोसा तोड़ूंगा कभी न मैं, अपनों की दुआओं का फल मिलेगा मुझे, मम्मी पापा का भरोसा तोड़ूंगा कभी न मैं, अपनों की दुआओं का फल मिलेगा मुझे, यारों सब दुआ करो मिलके प्रार्थना करो, न्याय करो प्रभु इंसाफ करो, बस तेरा ही भरोसा, कैसा है ये अंधेरा, क्या है गुनाह मेरा। कैसे कैसे सपने संजोए हुए थे मैंने, पल भर में देखो बिखर गया कैसे रे, कैसे कैसे सपने संजोए हुए थे मैंने, पल भर में देखो बिखर गया कैसे रे, सब कुछ छूटा है अंधेरों ने घेरा है, हर कोई बेगाना हुआ है, देखो कोई नहीं अपना है रे, कैसा है ये अंधेरा, क्या है गुनाह मेरा, गम में है डूबी जिंदगी, कैसी है ये अनहोनी, हमसे खता क्या हुई, कैसी है ये दुनिया रे, कैसा है ये अंधेरा, क्या है गुनाह मेरा। ये क्या अब अभी तक तैयार नहीं हुए? मुझे तो यकीन हो गया है, जेम्स के ट्रीटमेंट से मेरा बालू बच सकता है, ये पक्का है। चलो निकलो, चलो ना जल्दी, देर मत करो, फ्लाइट छूट जाएगी, चलो जल्दी, अब चलो भी। हाँ, चलो। मुझे पूरा यकीन है मेरा बालू जरूर वापस आएगा। ऊपर वाले ने मुझे अश्विनी के बदले बालू को दिया, अब मैं उसे आपके हाथों में सौंप रही हूं। ओके, लेट्स सी, चलता हूं। सुनिए, आप जब वापस आएंगे तो साथ में बालू को जरूर लाइएगा, मैं इंतजार करूंगी आप दोनों के वापस आने का, जल्दी वापस आइएगा।